बड़े पर्दे पर फिर लौटेगा शिवा। शिवा के प्यार में फिर डूबी दिखेगी ईशा। ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर अयान मुखर्जी ने किया एक बड़ा अनाउंसमेंट। क्या है ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर ये बड़ी खबर, चलिए जानते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र के बाद अब ब्रह्मास्त्र 2 को लेकर एक लेटेस्ट खबर सामने आई है। फैंस का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। फैंस भी ब्रह्मास्त्र के सीक्वल को लेकर काफी एक्साइटेड थे। देव का चेहरा देखने के लिए फैंस काफी बेताब है। ऐसे में क्या इस बार सामने आएगा देव का चेहरा? आखिर क्यों अलग हुए थे देव और अमृता? सितंबर 2022 में रिलीज हुई रणबीर और आलिया की ब्रह्मास्त्र को फैंस का खूब प्यार मिला। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। मूवी ने चंद दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। ब्रह्मास्त्र की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद डायरेक्टर अयान मुखर्जी जल्द ही इस फिल्म का दूसरा और तीसरा पार्ट लेकर हाजिर होने वाले हैं, जिनके रिलीज का ऐलान अयान ने कर दिया है। मंगलवार को अयान ने ब्रह्मास्त्र के सीक्वल का डेट शेयर किया। अयान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मास्त्र के सीक्वल की शूटिंग एक साथ होगी। सीक्वल 2 पार्ट्स में बनेगा, लेकिन दोनों को अलग अलग समय पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि दोनों की रिलीज डेट में लंबा गैप नहीं होगा। अयान ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ब्रह्मास्त्र पर बात करने का समय आ गया है। पार्ट 1 में मिले लोगों के प्यार के बाद मैं पार्ट 2 और 3 को बनाने पर फोकस कर रहा हूँ। अयान ने फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए बताया कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के 2 सीक्वल बनेंगे, जिनमें से एक दिसंबर 2026 और दूसरा दिसंबर 2027 में रिलीज होगा। ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 में जहां शिवा की कहानी दिखाई गई थी, तो वही सेकंड पार्ट की स्टोरी देव पर बेस्ड होगी। यानी कि दूसरे पार्ट में पता चलेगा कि आखिर देव और अमृता की जिंदगी में तूफान कैसे आया और दोनों छड़ कैसे गए। वही तीसरे पार्ट की स्टोरी किसे लेते हुए बनेगी, इसका खुलासा भी अयान ने नहीं किया है। वेल, अयान के इस बिग ऐलान के बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गई है और अयान के पोस्ट पर फैंस ढेरों सारे कमेंट्स कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज, मुंबई।